डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो हमारा सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन था उसको ही आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी तक हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर देख चुके हैं, उसमें ही एक पार्ट है कंपोजिट सेक्शन। उसमें ही एक पार्ट क्या है, कंपोजिट सेक्शन, जिसको कि आज भली भांति समझेंगे भी और इसके इक्वेशन को डेराइव भी करेंगे। अब इसके इक्वेशन को डेराइव करें उसके पहले छोटा सा एक आध कॉन्सेप्ट जो है मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, क्या पढ़े थे कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, यदि आप उसके ऊपर आप एक लोड लगाते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड इक्वली, तो इसमें इलोंगेशन होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला जो निकल करके आया था क्या था, स्ट्रेस कितना था, पी अपन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पी है आपका और इसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल। आप इस व्यू से देखेंगे कहाँ से, पी जहाँ भी लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, लाइक दिस, ठीक है ना, जैसे ये है और ये जो एरिया है दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और एप्सिलॉन दैट मींस की स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, मतलब पहले एल था अब बढ़ करके क्या हो गया, एल वन हो गया, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, एल वन माइनस एल, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन, दैट मींस की पी अपन ए इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल अपन एल। अब यहाँ से इलोंगेशन निकालना हो तो पी एल अपन ए ई, यह फार्मूला जो है हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, सेल्फ वेट और भी न जाने कितने न्यूमेरिकल कर चुके हैं। उसी सीक्वेंस में आज हमारा है ये कंपोजिट सेक्शन। बोलिएगा कि सर कंपोजिट सेक्शन में और ये अभी आप समझाएं दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन सिर्फ इतना सा है कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे होमोजेनियस मटेरियल का पढ़ते थे, ये कोई आपका मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे थे, दिस इज होमोजेनियस मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, होमोजेनियस मटेरियल, और इसका जो है सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए निकल करके आता था, एप्सिलॉन डेल्टा एल बाई एल निकल करके आया, और जो है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपन ए ई निकल करके आया। इसका मतलब है कि यदि सिंगल मटेरियल है तो ई तो सिंगल ही होगा, लेकिन सपोज कीजिए कि दो मटेरियल हो, तो दो मटेरियल कहने का मतलब कैसे होगा कि ये एक मटेरियल है, ठीक है, और दूसरा मटेरियल इसके साथ वेल्डिंग कर दिया गया है। ये सपोज कीजिए कि स्टील है और ये सपोज कीजिए कि कॉपर है, तो यहाँ पर ये जो है फिक्स है और यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं पी, ठीक है ना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम है सपोज कर लीजिए, लेकिन स्टील की जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई वन होगा और कॉपर का ई टू होगा मान लीजिए, तब आप इस फार्मूला में ई वन रखेंगे कि ई टू रखेंगे, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट मीन्स कि वेन यूर टू और मोर मटेरियल्स विल बी बॉन्डेड टूगेदर रिजिडली सेट द स्ट्रेनिंग एक्शन, दैट मीन्स की जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी शेयर्ड बाई बोथ मटेरियल, दोनों मटेरियल के द्वारा शेयर्ड होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाएगी कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर आप लोड लगा रहे हैं, चाहे यही मटेरियल जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से हो सकता है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से मटेरियल हो सकता है और ये दो मटेरियल है, ये जो है दो मटेरियल है, ये दो अलग अलग मटेरियल है, ये मटेरियल वन है, ये टू है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं क्या, पी, तो पी जो फोर्स लगाएंगे तो दोनों मटेरियल के द्वारा जो है लोड शेयर किया जाएगा, ठीक है, लोड विल बी शेयर्ड बाय बोथ मटेरियल, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी वन प्लस पी टू होगा कि नहीं, लोड दोनों पे लगेगा और दोनों पे इक्वल लगेगा या अलग अलग लगेगा ये हमें नहीं मालूम अभी, इसलिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो ये किससे बना आपका, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन, ध्यान दीजिएगा ये किससे बन करके आया, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, जब इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं आप, अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर P1 लगा, इसके ऊपर P2 लगा, तो क्या इसका डिफॉर्मेशन अलग होगा, इसका डिफॉर्मेशन अलग होगा, होगा क्या? नहीं होगा, दोनों का डिफॉर्मेशन अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों आएगा तो एक साथ ही आगे बढ़ेगा ना, दोनों दोस्त हैं, वेल्डिंग हो चुकी है तो अलग अलग तो बढ़ेगा नहीं। दैट मीन्स कि एप्सिलॉन जो स्ट्रेन होगा इसका और एप्सिलॉन टू का, तो दोनों का स्ट्रेन बराबर होगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब क्या आपको मालूम है, यहां पर थोड़ा सा छोटा सा हम लिख दें, समझा दें कि स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, दैट मीन्स कि एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपन ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दैट मीन्स यहाँ सिग्मा वन अपॉन क्या हो जाएगा, ई वन इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन ई टू हो जाएगा कि नहीं, इस इक्वेशन से। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो ऑफ स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, सिग्मा वन अपन सिग्मा टू इक्वल टू ई वन अपन ई टू भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि नहीं, और ये सिग्मा वन अपन सिग्मा टू को आप एम भी लिख सकते हैं, वेयर 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 एम इक्वल टू ई वन अपन ई टू। ठीक ना, ई वन अपन ई टू, दैट मीन्स कि एम क्या है आपका यहां पर, मॉडुलर रेशियो, एम को क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो। ठीक ना, एम इज मॉडुलर रेशियो, तो दैट यू कैन राइट हियर मॉडुलर रेशियो, लिख सकते हैं। ठीक ना, दैट इज दी बेस्ट डेफिनेशन ऑफ दी मॉडुलर रेशियो, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ जो है टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली नथिंग बट इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पार्ट देखिएगा, अब हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इंटू एम लिख सकते हैं, सिग्मा वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी वन अपन ए वन, क्योंकि दोनों की एरिया भी अलग अलग होगी, तो पी वन अपन ए वन इक्वल टू पी टू अपन ए टू इंटू एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप पी वन निकालेंगे यदि पी वन, तो क्या हो जाएगा, पी टू इंटू ए वन अपन ए टू इंटू एम, ये भी एक इक्वेशन निकल करके आया, देख लीजिए ये इक्वेशन निकल करके आ गया। तो इस तरह से आप जो है पी वन निकाल सकते हैं। अब यहां पर दो इक्वेशन जो है आपको याद रखना है, पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन से अब आप जो जैसा दिया हो वैसा आप बना सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपोजिट सेक्शन पढ़ना। कंपोजिट सेक्शन में हमने सिंगल सेक्शन के लिए, होमोजेनियस मटेरियल के लिए अभी तक डेराइवेशन पढ़े थे, न्यूमेरिकल पढ़े थे, लेकिन आज जो है दो मटेरियल एक दूसरे से वेल्डेड है, बॉन्डेड टुगेदर है। ठीक है, और आप देखते भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके घरों में जो पिलर होता है, जो कॉलम होता है, ठीक ना, जो पिलर या कॉलम होता है, तो उस पिलर या कॉलम को आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें आरसीसी भी होता है। ठीक ना, क्या होता है, सीमेंट बालू ये सब होता है कि नहीं, जैसे ये आपका पिलर है, ठीक ना, ये आपका पिलर है, तो पिलर में जो है क्या होता है, रॉड भी होता है, ये रॉड भी होगा, और सीमेंट बालू ये सब भी होगा, होगा कि नहीं, तो सबकी सबकी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो अलग अलग होगी ना, लेकिन इसके ऊपर लोड कौन सा लग रहा है, सिंगल लोड लग रहा है। ठीक ना, अब इसमें जो है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसकी डिफॉर्मेशन कुछ अलग होगी, जिसकी कम है उसकी कुछ अलग होगी। ठीक ना, सिमिलरली जैसे कोई ट्यूब है, आप समझ कीजिए कि ये ट्यूब है एक, ठीक है, और इसी के ऊपर जो है हम एक दूसरा ट्यूब लगा देते हैं, इसी के ऊपर जो है एक दूसरा ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर ये दूसरा ट्यूब आप लगा दिए एक, ठीक है, अब ये जो है अंदर वाला जो ट्यूब है इसकी ई वन है और इसकी ई टू है, और इसके ऊपर अब आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों बोथ आर बॉन्डेड टुगेदर,
but it has different modulus of elasticity. Then how will you calculate? तो first of all you have to calculate P, ठीक ना, पहले आपको P calculate करना है, that is the P1 plus P2, okay? Then from equilibrium condition you can find out P1 or P2, but it is very difficult, क्योंकि यहाँ पर दो unknown है, क्या P1 and P2, ये निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए थे, एक इक्वेशन तो यहाँ मिल गया इक्विलिब्रियम कंडीशन से, दूसरा इक्वेशन कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से कि स्ट्रेन दोनों में सेम होगा, दोनों में क्या होगा, स्ट्रेन सेम होगा, ठीक है, तो उससे आप क्या निकाल लेते हैं, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, ओके, इस कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से ये हमारा मॉडुलर रेशियो निकल करके आ गया, एम मॉडुलर रेशियो याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। उसके बाद आइए इस कंपोजिट सेक्शन के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिना समझे तो बनेगा नहीं। देखिए आरसीसी कॉलम जो अभी हम पिलर का एग्जांपल दे रहे थे, देयर इज आरसीसी कॉलम ऑफ 600 mm × 600 mm, दैट मीन्स कि स्क्वायर सेक्शन है और ये भी 600 है और ये भी क्या है 600 है, हैज 8 स्टील रॉड ऑफ 25 mm डायमीटर। अब इसके अंदर 8 स्टील की रॉड है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 8 स्टील के रॉड डले हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे यदि हम, तो स्टील रॉड कितने हैं, रॉड कितने हैं 8 × डायमीटर कितना है 25, ठीक है। अब टोटल एरिया देखिए तो क्या है, टोटल एरिया, ठीक ना, टोटल एरिया कितनी है 600 × 600, तो 600 × 600 दैट मीन्स कि 360,000 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एरिया, अब एरिया ऑफ स्टील रॉड देखिए, एरिया ऑफ स्टील रॉड, ठीक है, अब 25 डायमीटर है तो एरिया क्या होती है सर्किल का, π/4d² क्या होगा, π/4d² मतलब 25 का स्क्वायर और टोटल कितना है 8, यही है ना। तो इसका आप जब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है अपने को, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है ना, आपको ये कैलकुलेटर रखना है जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है, बिना कैलकुलेटर का नहीं निकलेगा। तो आप इसको निकालेंगे तो यू विल गेट हियर 3927 mm². तो अब ये स्टील रॉड का एरिया हो गया, दैट मीन्स कि इसको A1 मान लीजिए, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या A1, ठीक है, और A2 निकालेंगे आप तो टोटल एरिया कितना था, यही था ना टोटल एरिया, अब −3927 हो जाएगा, तो RCC का एरिया, RCC एरिया निकल जाएगा, RCC का एरिया, ठीक है, कितना निकलेगा 3927 आप कर देंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, इधर आपका 356073 mm² आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो लोड लग रहा है, अब आगे थोड़ा सा बढ़े हम, फाइंड द स्ट्रेसेस इन द स्टील एंड कंक्रीट, स्टील एंड कंक्रीट एंड द इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ द कॉलम ऑफ ई फॉर स्टील, द स्टील का कितना है 200, दैट मीन्स कि ई स्टील का कितना दिया है दोस्तों 200 GPa एंड 110 GPa फॉर कंक्रीट, ठीक है ना, फॉर कंक्रीट कितना हो गया 110 GPa, ठीक है, फॉर कंक्रीट। लोड ऑन कॉलम, लोड ऑन कॉलम टोटल लोड कितना दिया है आपका 3000 kN और लेंथ कितना है 3 meter, ठीक है। अब शायद लेंथ की जरूरत पड़ती है कि नहीं वो देखेंगे अपन बाद में, लेकिन अब यहाँ पर लोड निकल गया, तो एक चीज़ यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि लोड दिया है तो P=P1+P2 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वन मतलब हम मान रहे हैं किसका, स्टील का, और टू यहाँ पर सफिक्स लिखते हैं किसका, RCC का, ठीक ना, कंक्रीट का। तो ये एक इक्वेशन आपका बन गया, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, स्ट्रेन, ठीक ना, स्ट्रेन जो आपका
स्टील में होगा दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो अब यहाँ स्ट्रेन कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा वन अपान ई वन इक्वल टू सिग्मा टू अपान क्या हो जाएगा ई टू। सिग्मा मतलब क्या, पी वन अपान ए वन, ई वन इक्वल टू पी टू अपान ए टू इंटू ई टू हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पी वन मालूम है क्या, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, ये पी वन रहने दीजिए। ए वन आप निकाल चुके हैं, ए वन 3927 ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3927। और ई वन देखिए, ई वन मालूम है आपको 200 गीगा पास्कल। इधर पी टू, ए टू कितना निकला है आपका, ए टू 356073 इंटू ई टू, ई टू कितना है दिया हुआ 110 गीगा पास्कल। इसको इसी में रहने दिए, इस तरह से आपका P1 एंड P2 में रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप निकालेंगे, यू विल फाइंड हियर P2 इक्वल टू 4.5 P1, ये आपका रिलेशन निकल जाएगा, P2 इक्वल टू 4.5 P1 निकल जाएगा। तब आपका इक्वेशन क्या था, ध्यान दीजिए, P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P टोटल कितना था आपका, 3000 किलो न्यूटन था, 3000 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन को 10^3 न्यूटन लिख सकते हैं। P1 को P1 रहने दीजिए, और P2 को क्या, 4.5 P1, तो 4.5 P1। तो यहाँ से P1 निकल सकता है क्या आपका, P1 निकल जाएगा, और वो कितना निकल करके आ रहा है आपका, P1 आप निकालेंगे तो यू विल गेट हियर 542 किलो न्यूटन, और P2 कितना निकलेगा, 2458 किलो न्यूटन, ठीक है, समझिएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट P1 एंड P2। तो अब हमारा इस पे निकल गया कि रॉड पर कितना लोड लग रहा है, रॉड मतलब स्टील रॉड पे, और कंक्रीट पे कितना लोड लग रहा है। तो ये लोड आपने यहाँ निकाल दिया, एक बार लोड निकल गया तो स्ट्रेस निकाल सकते हैं, और कौन सा स्ट्रेस लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि कंक्रीट है, पिलर है, तो इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या लिखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन काहे में, कंक्रीट में, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पी अपन एरिया। तो पी कितना निकला इसका, 2458 × 10³ न्यूटन, और एरिया ऑफ द कंक्रीट कितना था, एरिया ऑफ द कंक्रीट देखिए यहाँ पर 356073 mm² है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये आप निकालेंगे तो यू विल गेट हियर 6.9 न्यूटन पर mm², ठीक है। उसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस 542 किलो न्यूटन, ये 542 किलो न्यूटन मतलब 10³ दे दें हम, और एरिया ऑफ द स्टील कितना था, 8 रॉड था, ठीक है ना, 8 रॉड का 3927 एरिया निकला था, 3927 mm² है, ठीक है। इसका आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 138 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब चेंज इन लेंथ या शॉर्टेनिंग, ठीक ना, टोटल कितना शॉर्ट होगा, ठीक है, टोटल कितना शॉर्ट होगा, तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, पी एल अपन ए ई। अब सवाल यह है, ठीक ना, कि ए किसका लेंगे, टोटल लेंगे, और ई किसका लेंगे, ठीक ना, सवाल यह है ए किसका लेंगे और ई किसका लेंगे, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन ना, कि हम ए किसका लेंगे और ई किसका लेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, ई आप किसी का ले लीजिए, ए किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे डेल्टा एल वन लेंगे आप, पी पी लोड पी वन क्या है, 542 किलो न्यूटन, तो 10³। एल दिया हुआ था कहाँ दिया है, 3 मीटर, देख लीजिए पिलर की लेंथ क्या होगी, 3 मीटर है, ठीक है।
इसको एमएम में कन्वर्ट करना हो तो आप 3000 mm कर सकते हैं। और ए, ए किसका लेंगे, किसी भी एक का लेंगे, पी वन का लिए है ना, तो एरिया भी ए वन का और ई की जगह पे ई वन, तो ए वन क्या है आपका, ए वन 3927, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको 3927, और ई वन कितना है 200 GPa, तो ये 3927 इंटू 200 GPa है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, या डेल्टा एल टू ले लीजिए, ये भी सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2458 इंटू 10^3 इंटू, ठीक ना, एल लेंथ तो दोनों का सेम है, और एरिया ए टू, ए टू कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 356073 इंटू, और ये कितना है 110 GPa, गीगा मतलब 10^9। अब इसको आप निकालिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, ठीक ना, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसका आंसर जो आएगा तो लगभग इसका 2.07 mm आएगा, और इसका भी 2.07 mm आएगा, मतलब कि डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल वन इक्वल टू डेल्टा एल टू, ये दोनों तो बराबर होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये पिलर है, इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कंक्रीट ऊपर रहेगा रॉड नीचे धस जाएगा या दब जाएगा, ऐसा नहीं है ना, रॉड और कंक्रीट सब एक साथ आएंगे, तो जो चेंज इन लेंथ होगा एक साथ होगा, ठीक है ना, दोनों में चेंज इन लेंथ इक्वल होंगे, तो चेंज इन लेंथ इक्वल आना ही चाहिए, दैट इज फॉर योर क्रॉस चेक, ठीक है। तो आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग कंपोजिट सेक्शन पे, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, कंपोजिट सेक्शन। अब इस कंपोजिट सेक्शन से ही मिलता जुलता एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना, या टेम्परेचर स्ट्रेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 9 था, लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे जो है थर्मल स्ट्रेस and how the material gets expansion due to effect of the temperature. तो आज यहीं तक, thank you very much for watching this video, and be very happy, be very healthy, and keep smiling. Thank you very much.